आज हम बनाने वाले हैं चिकन फ्रेंच फ्राइज। उसके लिए आधा किलो बोनलेस चिकन ले लें आप, ये बड़े बड़े पीसेस हैं, हो सके तो आप कीमा भी ले सकते हैं चिकन का। तो हमने ये इसमें डाल दिया है, बहुत ही कम से कम इंग्रेडिएंट डाल के बनाने की कोशिश करेंगे हम। 2 टीस्पून इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, थोड़ा टाइट सा ही पिसा हुआ है बिना पानी का। 1 टीस्पून हम इसमें ये अदरक का पेस्ट डाल देते हैं, हरी मिर्च है ये डाल देते हैं, हरी मिर्च इसमें अच्छा टेस्ट देगी। आपके पास पेस्ट है तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, हमने ये डाल दिया है। 1/2 टीस्पून हम इसमें ये ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्ची का पाउडर डाल देते हैं, और इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा ओरिगैनो, इससे आएगा इसका जायका थोड़ा अलग सा। अजवाइन की पत्ती होती है, ये पिज्जा की जो सीजनिंग होती है उसमें भी जाती है, तो बस हमने ये डाल दिया है 1/4 टीस्पून के करीब। अब हम इसमें जायके के मुताबिक नमक डाल देते हैं, इसमें हम नमक डाल देते हैं 1 टीस्पून। नमक के बाद हम इसमें ढकना लगाते हैं और इसको पीस लेते हैं। 30 से 40 सेकंड ही लगेंगी बस इसको पीसने में, 30 से 40 सेकंड में ये आपको ऐसा मिलेगा। बस हम इसे निकाल लेते हैं किसी बाउल के अंदर, ये देखें। एक अंडा ले लेते हैं, इसको इसमें निकाल लेते हैं और इसमें डाल देते हैं 1 चुटकी नमक। हम इसको फैले हुए बर्तन में डालेंगे बाद में, लेकिन ये अच्छे से फिटेगा इसलिए हम इसको छोटी सी कटोरी में ले लिया है। इसको अच्छे से फेंट लेते हैं, और ये कॉर्नफ्लेक्स है इस तरीके का हमने ले लिया है, भुट्टा कॉर्न है ये, और ये हमने ग्राइंडर में घुमा लिया है, और इसको हम निकाल लेते हैं ये प्लेट के अंदर। ये देखें, एक आध पीस दरदरा सा है, कोई नहीं चलेगा। ये देखें, हमने चॉपिंग बोर्ड ले लिया है, उसके ऊपर ये क्लीन रैप बिछा लिया है। हल्का सा ऑयल लेंगे और यूँ हाथों पर लगा देंगे, और इसमें से ये छोटे छोटे पीस लेंगे। जो मसाले अक्सर डलते हैं उससे हट के मसाले हैं, तो जाहिर सी बात है जायका भी थोड़ा हट के ही होगा। तो इस तरीके से पहले छोटा छोटा बना लें, और फिर ये इसकी मदद से यूँ फैला फैला के हम इस तरीके से इसको लंबा लंबा सा बनाएंगे। अंडा भी फिटा हुआ हमारे पास ही रखा है, पहले हल्का सा हाथ पर ही फैला लेते हैं, एक बना के दिखा देते हैं हम आपको इस तरीके से। और जब इतना बड़ा हो जाए तो इस पर डाल के आप यूँ आराम से फैला दें, जो इजीली बढ़ जाएगा ये। ये देखें, ये तैयार है, जो तैयार है वो लें आप और इसको यूँ अंडे में डाल दें। ये हमने अंडे में डाल दिया है, हम आपको 2 पीस रेडी करके दिखा देते हैं, और हम ये सब खुद कर लेंगे। ये देखें, और बस इसमें से डाल देते हैं इसके अंदर, और इसको अच्छे से उसके अंदर डालें, कॉर्नफ्लेक्स के अंदर हर तरफ से कवर्ड हो, जितना आपको क्रिस्प चाहिए उतना अच्छे से आप इसको वो करें। अंडे के हाथ से ना करें, अंडे के हाथ से आप करेंगे तो वो चिपक जाएगा। यूँ लेके यूँ डाल दें इस पर, और ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, और इसको अच्छे से और ज़्यादा डालें इससे, और बस इसको करते हैं फ्राई। ये हो जाएगा बहुत ही क्रंची। ये देखें, हमने ये कोफ्ते से भी थोड़ा सा बड़ा ले लिया है, और हम इसको बढ़ा देते हैं, और फिर इस पर डाल के इसको हाथ से बढ़ाते हैं, और फिर इसको छुरी से कट कर देंगे, दिखाते हैं आपको। ये देखें, इतना ही पतला हमने इसको फैला लिया है, हम इससे कट कर देते हैं इसको, क्योंकि छुरी से कट करेंगे तो हमारा क्लीन रैप जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये देखें, और बस एक पीस उठाएं, इसको हल्का सा क्लीन करें हाथ से, और बस हम इसको अंडे में डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है हमने, और आप देखें ये हमने पीस इसमें रख दिए थे। आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख के छोड़ सकते हैं 1-2 घंटे के लिए, लेकिन हम ये हाथों हाथ ही फ्राई कर लेते हैं। तो बस हम ये इस पर डाल देते हैं मीडियम फ्लेम में, और बहुत ही बढ़िया सा कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। एक दफ़ा में हम ये 8 से 10 पीस डाल देते हैं, मालूम करेंगे कि हम इनको फ्रीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप इस तरीके से पूरा तैयार करके आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। पहले 4-5 घंटे के लिए फ्रीज में छोड़ दें, जब वो थोड़े कड़क हो जाएं तो ज़िपर में डाल के उसको फ्रीज कर सकते हैं 2 हफ्ते के लिए। ये देखें, 4 से 5 मिनट के बाद ये आपको इस तरीके का मिलेगा। इसके मिक्सचर के अंदर अंडा जाता है, लेकिन फिर आप कहेंगे कि अंडा नहीं डालना चाहें, इसलिए हमने इसमें अंडा नहीं डाला है, लेकिन ये बिना अंडे के भी कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है। ये देखें, जिस पे ये वाला कलर आ गया है यानी कि फुल सीख के तैयार हैं, तो हम ये निकाल लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम ये सब पीसों को फ्राई करके पीस निकाल लेते हैं, और देखें कितना बढ़िया इन पर कलर आया है। बिल्कुल कीमा पिसा हुआ था, तो इतनी देर में ये सीख के तैयार हो जाएंगे। आप ये ना सोचें कि ये इतनी जल्दी पक पाएंगे या नहीं। तो हम ये निकाल लेते हैं और सब पीस बिल्कुल इसी तरह से डाल के इनको भी फ्राई करते हैं। और ये देखें, चिकन फिंगर कितनी बढ़िया से ये सब फ्राई कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। बस ये चिकन फिंगर हम इसमें डाल लेते हैं, ये देखें कितनी क्रिस्प तैयार हुई है ये। चिकन
चिकन फ्रेंच फ्राइज बनाएं ये हमारे तरीके से बनाएं, आप ये जायका दिल्ली 6 के तरीके से बनाएं, ये बहुत फटाफट से बन जाने वाली है। और इसके साथ ले लें एक कोल्ड ड्रिंक भी, तब बस फिर कहने ही क्या है। तो ज़रूर बनाएं, हमसे जुड़ें, हमारी हौसला अफजाई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और डिश को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे दूसरे चैनल समीनाज किचन टिप्स पे ज़रूर से जाएं और उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।